हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो गाइस, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब चैनल्स से रिलेटेड। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि ग्रीन स्क्रीन के यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा पॉपुलर जा रहे हैं और वो मोनेटाइज भी होते हैं। और दोस्तों, अगर ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है तो कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, और अगर नहीं होता है तो किस कारणों से नहीं होता है, क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है कि आपको रीयूज कंटेंट ना आए। तो चलिए मैं जल्दी से शुरू करता हूं, लेकिन आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो। चलिए, ये तो बाद में कर लीजिएगा जब जानकारी अच्छी लगे। दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप भी ग्रीन स्क्रीन का यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है और आपको ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भैया आप आई बटन वाला वीडियो देख लेना, आपके ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि क्या करना है आपको, जिससे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा और नहीं होगा, इसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि YouTube के ग्रीन स्क्रीन वीडियो मोनेटाइज होते हैं और भैया उनके अंदर कुछ जो चैनल मैंने ये सुना है कि डीमोनेटाइज हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, उनकी क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको भी ग्रीन स्क्रीन का यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाना है तो भैया सबसे पहले आप लोगों को रेगुलरली वीडियो डालनी है और वो भी ग्रीन स्क्रीन के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब ने नए नया ग्रीन स्क्रीन को और कोलैब ऑप्शन को लॉन्च किया है। ऐसे में कोलैब ऑप्शन तो 101% मोनेटाइज होता है, लेकिन ग्रीन स्क्रीन में कुछ कुछ चैनल्स में दिक्कत आ रही है। तो भैया जिनका रिव्यूज आ रहा है तो उनको मैं एक जो सॉल्यूशन दे रहा हूं, भैया उस हिसाब से आप काम कर लेना, आपका यूट्यूब चैनल 101% नहीं 1% मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपके चैनल में रिव्यूज जैसी कोई दिक्कत आ रही है ग्रीन स्क्रीन में, और भैया अगर आप शुरुआत से भी कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे फाइनली मोनेटाइज ही करवाना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको YouTube चैनल पर जैसे ही ग्रीन स्क्रीन बनाओ तो भैया आप अपने ग्रीन स्क्रीन के अंदर अपनी वॉइस ओवर भी किया करो। जैसे कोई भी वीडियो है आपने ग्रीन स्क्रीन पे जो बना रहे हो तो भैया उसमें अपनी वॉइस जोड़ा करो कि अरे भैया ये वीडियो में क्या हो रहा है, अरे भाई, अरे अरे भाई साहब, अरे ये मार रहा है, अरे भाई, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से जिस हिसाब का वीडियो है बस वैसा ही आपको कुछ रिएक्ट करना है, उसमें थोड़ा अपना वॉइस ओवर करना है, जिससे कि YouTube भैया सोचेगा कि इस बंदे ने कुछ क्रिएटिविटी की है और वो आपको YouTube चैनल को मोनेटाइज कर देगा। दोस्तों, ये तरीका आप अपना लेना। और अगर फिर भी भाइयों कुछ लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि वीडियो होता है तो भाई वीडियो में समझ नहीं पाता, एक जैसे बंदा फेस टू फेस समझाता है या मिल के समझाता है, कॉल से समझाता है, मैसेज से समझाता है, वैसे वीडियो में बहुत सारे लोगों के डाउट्स रह ही जाते हैं, लेकिन आपका भाई रमेश हमेशा आपको हमेशा रिप्लाई करता है। आप चाहे कमेंट करो, आप चाहे इंस्टा डीएम करो, आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए, इंस्टा पर भी डीएम कर दीजिए, कमेंट में भी बता दीजिएगा कोई भी जानकारी अगर आपको समझ नहीं आई है। और हाँ, अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप वो नेक्स्ट वीडियो देख लेना, और अगर वो वीडियो आ गया है तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो आप वेट कीजिएगा। चैनल पर भैया नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को यूट्यूबर बनाना मेरा काम है और भैया मैं भी कम से कम 100 चैनल मैनेज करता हूं, तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं 100 यूट्यूब चैनल को बना सकता हूं, कमाई कर सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप भी करेंगे फाइनली, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि भैया बड़े ही क्रिएटर होते हैं, वो अब रिप्लाई नहीं देते भैया, उनको नहीं टाइम होता, उनको करोड़ों लोग मैसेज करते हैं, तो आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।